नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा पाठ 10 नेताजी का चश्मा में हमने लेखक के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ की ये जो कहानी है ये किस तरह से आगे बढ़ती है। तो आइए देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ में एक कस्बा होता है और कस्बे का मतलब होता है कि एक छोटी यानी कि एक जो है थोड़ी जनसंख्या वाला क्षेत्र जहाँ विकास के कार्य जो होते हैं वो देखती है नगर पालिका। तो जैसे गांवों के अंदर पंचायत होती है वो विकास के कार्य देखती है, इसी तरह से कस्बों के अंदर जो है नगर पालिका होती है और नगर पालिका जो है वो उस कस्बे में विकास के कार्य करवाती है। जैसे पानी की व्यवस्था करवाना, सड़कें बनवाना, साफ सफाई करवाना, तो आदि ये जो सभी कार्य होते हैं ये नगर में या कस्बे में जो है नगर पालिका द्वारा करवाए जाते हैं। तो ऐसे ही जो है एक कस्बे के अंदर नगर पालिका होती है और उस नगर पालिका के द्वारा जो है उस कस्बे के चौराहे पर नेताजी यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनकी मूर्ति को स्थापित करवाने के लिए बजट जो है पास करवाया जाता है और बजट पास होने के बाद उस मूर्ति को लगाने, उस मूर्ति को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो उनको सौंपी जाती है नगर पालिका को। और नगर पालिका जब इस मूर्ति को बनाने के लिए किसी मूर्तिकार की जब वो तलाश करती है तो उन्हें जो है कोई भी ऐसा अच्छा जो है मूर्तिकार नहीं मिल पाता है, क्योंकि मूर्ति बनाने के लिए जो बजट होता है वो जो है वो बहुत ही कम होता है। और इसी कारण से नगर पालिका द्वारा मूर्ति बनाने का जो कार्य है वो दिया जाता है उसी कस्बे के एक मास्टर मोतीलाल होते हैं जो हाई स्कूल में, सरकारी जो स्कूल होती है उस स्कूल में जो है वो ड्राइंग मास्टर यानी कि जो है चित्रकला सिखाते हैं, वहां पे चित्रकारी करना सिखाते हैं बच्चों को। तो उन्हीं को जो है ये जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। अब मास्टर मोतीलाल जो है वो उस मूर्ति को बनाने की जिम्मेदारी लेने के बाद में, क्योंकि वो जो मूर्ति है वो बहुत जल्द ही लगाई जानी थी और जल्दी बना करके तैयार करनी थी, तो मूर्तिकार ने जो है उस मूर्ति को बनाने का कार्य प्रारंभ किया। कुछ अन्य लोग, अन्य जो मूर्तिकार थे उसके जानकार, उनकी उन्होंने जो है मदद ली और उनके द्वारा जो है वो मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ किया। अब जब उन्होंने मूर्ति बनाई तो मूर्ति जब वो बना रहे थे तब जो है उस मूर्ति का चश्मा जो है वो उन्होंने नहीं बनाया। तो जब वो उस नगर के कस्बे के चौराहे पर जब वो मूर्ति जो है स्थापित करवाई जाती है, स्थापित होने के बाद में जब उस मूर्ति पर चश्मा नहीं होता है तो लेखक जो स्वयं प्रकाश हैं वो यहाँ पे हमें बताते हैं कि उस मूर्ति पर चश्मा ना होने के निम्न कारण हो सकते हैं। तो उन्होंने पहला कारण ये बताया कि जो मूर्तिकार है उसने चश्मा बनाने का प्रयास किया होगा, लेकिन क्योंकि वो मूर्ति जो है संगमरमर की बनाई गई थी तो चश्मा भी जो है संगमरमर का ही बनाया जाना था और चश्मे का जो ग्लास होता है वो बहुत ही पतला बारीक होता है, और जब उसने उस चश्मे को बनाने की कोशिश की होगी तो शायद ऐसा हुआ होगा कि चश्मा बनाते बनाते ही टूट गया होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि मूर्तिकार जो है चश्मा बनाना ही भूल गया होगा। तो इस तरह से जो है यहाँ पे स्वयं प्रकाश ने ये कुछ कारण बताए कि उस मूर्ति पर वो चश्मा जो नहीं था, चश्मा जो नहीं लगा उस मूर्ति पर, उसके इस तरह से कुछ कारण रहे। अब हम बात करते हैं कि वो मूर्ति जो बनाई गई थी वो थी लगभग 2 फुट ऊंची, यानी कि टोपी की नोक से लेकर के और जो कोट के 2 बटन होते हैं ऊपर के वहां तक की जो है उस मूर्ति की साइज थी, उस मूर्ति का आकार जो है वहां तक का था। अब बात आती है कि मास्टर मोतीलाल द्वारा जब वो मूर्ति बना दी गई और बना करके और नगर पालिका द्वारा उस चौराहे पे लगा भी दी गई, तब जो है उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था, क्योंकि नेताजी जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस वो हमेशा जो है एक चश्मा लगा के रखते थे और वो जो चश्मा था वो था गोल फ्रेम वाला। तो अगर हम इतिहास को पलट करके देखें तो हमें याद आता है कि नेताजी जो है टोपी पहनते थे और चश्मा लगाते थे और कोट पहनते थे, तो बिल्कुल उसी तरह की जो मूर्ति वो बनाई गई थी, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा नहीं था। अब उसी कस्बे में जब बिना चश्मे की मूर्ति को एक व्यक्ति ने देखा और वो जो व्यक्ति था वो था एक कैप्टन, यानी कि उसका जो नाम है वो था कैप्टन। तो उस
मूर्ति पर जो है उस कैप्टन चश्मे वाले ने एक चश्मा लगाया, क्योंकि वो जो कैप्टन चश्मे वाला है वो चश्मे बेचने का कार्य किया करता था, और इसी कारण से अपने चश्मों में से एक चश्मा जो है उसने अपनी मूर्ति पर, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर लगा दिया। अब होता यह है कि जब उसने वो चश्मा उस मूर्ति पर लगाया, क्योंकि वो जो है चश्मे बेचने का काम किया करता था, तो वो जो चश्मा है जो नेताजी की मूर्ति पर उसने लगाया, वो चश्मा अगर किसी को पसंद आ जाता था तो वो उस चश्मे को उतार करके और ग्राहक को वो चश्मा दे देता था और उस मूर्ति पर फिर से दूसरा चश्मा वो लगा दिया करता था। तो इस तरह से जो है मूर्ति पर वो तरह तरह के चश्मे लगाता रहता था, क्योंकि वो चश्मा जो है किसी को पसंद आ जाता था तो वो चश्मा फिर दूसरा लगाना पड़ता था उसको। इस तरह से नेताजी की मूर्ति पर उस चश्मे वाले ने कभी गोल फ्रेम वाला, कभी चौकोर फ्रेम वाला, तो कभी जो हमारी पुरानी जो फिल्में हुआ करती थी उसमें एक चश्मा होता था गोगो चश्मा, जो बहुत ही बड़े फ्रेम वाला हुआ करता था, तो कभी इस तरह का चश्मा वो उस मूर्ति पर लगा दिया करता था। अब उसी कस्बे में एक हालदार साहब होते हैं, और वो जो हालदार साहब हैं वो हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते हैं। तो जब वो हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरते हैं अपने ऑफिस के काम से, तो वो वहीं पे ही उस नगर के चौराहे पर एक पान वाला होता है, उस पान वाले के पास में वो पान खाने के लिए रुकते हैं और पान खाते हैं, और उसके बाद जो है वो हालदार साहब जो है पान वाले से तरह तरह के प्रश्न करते हैं। तो अब बात आती है कि पान वाला जो है वो पान बेचने का काम किया करता था, और पान बेचते बेचते जो है वो खुद भी पान खाया करता था, और हालदार साहब जब भी वहां रुकते थे तो हालदार साहब जो है उस पान वाले से बातें किया करते थे उस चौराहे पर वो रुकते थे। और जब हालदार साहब वहां पे उस मूर्ति की तरफ वो देखते, हर 15वें दिन जब भी गुजरते और उस मूर्ति की तरफ देखते, तो उन्हें अलग अलग तरह के चश्मे जो है उस मूर्ति पर दिखाई दिया करते थे। तब वो जो है पान वाले से वहां पे पान खाते खाते इस तरह से बात करते कि वाह भाई, आपके नेताजी जो है वस्त्र तो नहीं बदल सकते लेकिन चश्मे वो हमेशा बदलते रहते हैं। तो इस तरह से वो जो है पान वाले के साथ में बातें किया करते थे। फिर जो है एक बार जब उनसे रहा नहीं गया, तब उन्होंने पूछा कि नेताजी की मूर्ति पर ये जो चश्मे बदलने का काम है वो कौन करता है। तो पान वाला, क्योंकि वो जो है पान खाता रहता था और पान बेचता भी था, तो पहले जो है अपने पान की पीक को पीछे थूकता, फिर उसके बाद धोती के एक पल्लू से जो है अपने मुंह को साफ करता, और फिर वो हालदार साहब को जवाब देता था। तो हालदार साहब को उसने, पान वाले ने जवाब दिया कि साहब, ये जो चश्मे बदलने का जो काम करता है वो करता है कैप्टन चश्मे वाला। तो जैसे ही उसने कैप्टन नाम लिया तो हालदार साहब के मन में जो है उत्सुकता और ज्यादा बढ़ गई, और उन्होंने जो है पान वाले से पूछा कि कैप्टन जो है क्या वो सेना का सिपाही रहा है, भूतपूर्व सिपाही रहा है, या फिर आजाद हिंद फौज जिसका गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था उसका कोई सिपाही रहा है। तब इस तरह के जब वो प्रश्न पान वाले से पूछता है, तो पान वाला जो है वो कैप्टन के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हुए कहता है कि साहब वो क्या जाएगा फौज में, वो तो लंगड़ा है लंगड़ा, पागल है पागल। तो इस तरह से जो है जब वो कहता है कैप्टन को लंगड़ा और पागल जब वो कहता है, तो हालदार साहब को बहुत ही दुख होता है कि वो एक ऐसे देशभक्त का अपमान कर रहा है जिसके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, आदर का भाव है। तो पान वाले द्वारा जब इस तरह से अपमान किया जाता है कैप्टन का, तो हालदार साहब को बहुत ही बुरा लगता है। अब बात आती है कि इस तरह से जब उसने अपशब्दों का प्रयोग किया, तो यहाँ पे जो है एक प्रश्न बनता है कि क्या हमें भी जो है अपने देशभक्तों, अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके प्रति किस तरह से जो है अपना सम्मान और आदर भाव जो है प्रकट करना चाहिए, और क्या पान वाले द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, नेताजी के प्रति इस तरह के जो अपशब्दों का प्रयोग किया गया क्या वो उचित था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था। तो इस तरह से एक प्रश्न यहाँ पे बनता है। अब हालदार साहब को जब इस तरह से बुरा लगता है, तो वो जो है उस वक्त पान वाले को कुछ नहीं कहते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो इसी तरह से लगभग जो है 2 साल तक वो हर 15वें दिन वहां से गुजरते, पान वाले के पास में रुकते, पान खाते, कुछ समय के लिए वहां पे जो है बातें करते,
और नेताजी की मूर्ति की तरफ देखते और प्रसन्न होकर के वो फिर वहां से चल देते, क्योंकि उन्हें जो है हमेशा नया चश्मा उस मूर्ति पर नजर आता था। अब एक बार जब हालदार साहब उस कस्बे के चौराहे पर रुके और वो पान खाने के लिए वहां पे जब रुके और जब वो पान खाने लगे और उनकी नजर जो है नेताजी की मूर्ति पर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर आज कोई भी चश्मा नहीं था। तब जो है उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आज ऐसा क्या हो गया कि नेताजी की मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। तब उन्होंने जो है पान वाले से पूछा, क्यों भाई आज क्या बात है, तुम्हारे नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं है। तब पान वाला जो है बहुत ही दुखी होता है, और क्योंकि वो पान खा रहा होता है तो पहले वो अपने पान को थूकता है, फिर जो है अपनी धोती के पल्लू से अपने मुंह को साफ करता है और फिर बड़े ही दुख के साथ में वो उत्तर देता है कि साहब कैप्टन तो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही वो इस तरह से उत्तर देता है तो जो हालदार साहब है उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं और जो पान वाला है उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो है हमें एक बात देखने को मिलती है कि पान वाला चाहे भले ही वो जो है कैप्टन को लंगड़ा पागल कहता हो, लेकिन उसकी मृत्यु होने पर उसकी भी आंखों में आंसू थे। तो इस बात से हमें ये पता लगता है कि पान वाला जो है उसके मन में भी कैप्टन के प्रति श्रद्धा का भाव था, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी जो रहे हैं हमारे देश के, उनकी मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा रहा था तो उसका सम्मान करता था, उसके प्रति जो है उसके मन में श्रद्धा थी। तो इस तरह से पान वाले की आंखों में आंसू आना इस बात को प्रकट करता है। अब जब इस तरह से कैप्टन की मृत्यु हो जाती है और मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला कोई भी नहीं बचता है, तब जो हालदार साहब है वो इस तरह से सोचते हैं कि अब जो है मैं इस कस्बे के चौराहे से जब भी मैं गुजरूंगा तो अपनी जीप को यहाँ पे कभी नहीं रोकूंगा और ना ही मैं यहाँ पे पान वाले के पास में पान खाऊंगा। तो इस तरह से दृढ़ निश्चय करके वो वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद जब 15वें दिन वो वापस वहां से गुजरते हैं तो अपने ड्राइवर को वो बोल देते हैं कि ड्राइवर आज जो है ना तो चौराहे पे तुम जीप रोकोगे और ना ही हमें जो है पान खाना है। इस तरह से वो अपने ड्राइवर को कह देते हैं और ड्राइवर भी जो है वहां पे जीप को नहीं रोकता है और वो आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो नेताजी की मूर्ति पास में आती है वैसे वैसे ही जो है उनकी बेचैनी जो है उनकी उत्सुकता जो है हालदार साहब की वो बढ़ती जाती है और वो उस मूर्ति को बिना देखे नहीं रह पाते हैं। जैसे ही मूर्ति के पास में उनकी जीप गुजरती है तो उनकी आंखें जो हैं, उनकी जो नजर है उस मूर्ति पर पड़ती है और जैसे ही वो उस मूर्ति को देखते हैं तो अचानक से अपने ड्राइवर को कहते हैं, ड्राइवर रोको। तो जैसे ही ड्राइवर जो है जीप रोकता है, जीप के जो ब्रेक हैं उनकी आवाज आती है, आसपास के लोग जो हैं उस दृश्य को देखने लगते हैं और जो हालदार साहब हैं वो फटाफट से अपनी जीप से उतरते हैं और नेताजी की मूर्ति के सामने जाकर के अटेंशन की मुद्रा में वो खड़े हो जाते हैं। वहां पे उनको सैल्यूट करते हैं और बड़े ही गौर से उस मूर्ति को देखते हैं कि उनकी मूर्ति पर जो है फिर से एक चश्मा था। तो वो उस चश्मे को फिर बड़े ही गौर से देखते हैं और गौर से देखने पर उन्हें पता लगता है कि वो जो चश्मा है वो बना हुआ था एक सरकंडे का चश्मा, यानी कि मूर्ति पर जो चश्मे की वापसी हुई थी वो हुई थी सरकंडे के चश्मे से। यानी सरकंडे का चश्मा होता है कि जिससे हम छप्पर बनाते हैं वो जो है उनको हम सरकंडे बोलते हैं। तो उन्हीं सरकंडों से जो है उन्हीं तिनकों से जो है एक चश्मा जो है बनाया जाता है और वो चश्मा जो है नेताजी की मूर्ति पर लगा दिया जाता है। तो उस चश्मे को जब वो देखते हैं हालदार साहब तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये काम जो है इस कस्बे के जो बच्चे हैं उन्हीं बच्चों का होगा जरूर, क्योंकि इस तरह से तिनकों से चश्मा बनाने का कार्य जो है बच्चे ही कर सकते हैं। तो इस तरह से जब वो बच्चों के बारे में सोचते हैं और बच्चों के मन में जो देशभक्ति की भावना है उसके बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें बड़ा ही गर्व होता है, उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होती है कि अभी भी मेरे देश की जो युवा पीढ़ी है, मेरे देश के जो लोग हैं, उनमें
स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति देशभक्ति श्रद्धा और सम्मान की भावना बची हुई है। तो इस बात को वो महसूस करके और बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं कि अभी भी जो है मेरे देश का जो भविष्य है, भारत का जो भविष्य है, सुरक्षित हाथों में है। तो इस तरह से वो जो है बच्चों की देशभक्ति के बारे में सोच करके बड़े ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें बड़ा ही गर्व होता है। अब बात आती है कि हालदार साहब का भावुक होना, यानी कि हालदार साहब जो है भावुक होते हैं वहां पे जब उस चश्मे को वो देखते हैं, जो सरकंडे का चश्मा जो बना हुआ होता है जो बच्चों द्वारा लगाया जाता है, तो उनकी देशभक्ति को महसूस करके, अनुभव करके और वहां पे वो बहुत ही भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं इस तरह से। तो ये जो सारी बातें हैं, इन बातों से जो लेखक स्वयं प्रकाश हैं वो हमें यह संदेश देना चाहते हैं कि वास्तव में जो है हमें अपने देश के स्वतंत्रता सेनानी, अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाले जितने भी लोग रहे हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति हमें आदर की भावना जो है वो रखनी चाहिए। और जब भी इनका जन्मदिवस या फिर इनकी पुण्यतिथि जब भी आए तो हमें उसे मनाना चाहिए, और उसे मनाने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जो है उनके आदर्शों को, उनकी उनके जीवन से जो हमें प्रेरणा मिलती है, उनके पदचिन्ह जो हैं उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, तो उन्हीं पदचिन्हों पर, उन्हीं के आदर्शों पर हमें चलना चाहिए और अपने देश के प्रति और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर और सम्मान की भावना रखनी चाहिए। तो इस तरह से इस पाठ में नेताजी का चश्मा के माध्यम से लेखक ने हमारे देश की युवा पीढ़ी को, हमारे देश के समाज को जो है देशभक्तों का सम्मान करने की और उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने की जो है प्रेरणा दी है। धन्यवाद।